वालीगण एवं प्यारे विद्यार्थी मित्रों, प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप है, माँ भारत की संतान। आपकी तरफ मेरी श्राम भी तपस्या का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावी उत्कल गंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठोकराए हुए लोगों की स्थान स्थली बन जाता है और सात समुद्र पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पर्याय नहीं सिखा पाया। वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विश्व के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्य वाटिका रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महा अवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ स्त्री को स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती नाम से जानता है, पांच पट्टियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक छपा है, एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने सौ पायों की चिता जला दी, एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाथ और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। जय हिंद, जय भारत।